हेलो एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू डिफेंस मेनिया सो आज की क्लास में हम कंप्लीट इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखेंगे वी विल बी कवरिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ठीक है आप बिल्कुल इसी फोकस की तरह बैठे रहना राइट आई विल बी एक्सप्लेनिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स टू यू देखो इकोनॉमिक्स अब बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता जा रहा है क्योंकि इनिशियली देर वर ओनली फाइव टू सिक्स क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक्स इन सीडीएस पेपर बट अब क्वेश्चन बढ़ के 10 से 12 हो चुके हैं ठीक है तो आज आ, एक बहुत क्विक रिवीजन ले लेंगे बहुत लेमन लैंग्वेज में आई विल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स टू यू सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बार में हम खत्म करेंगे ठीक है तो वॉच इट टू द फुलेस्ट ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के यहीं से निकल जाए ऑलराइट चलो देखो सबसे पहले देखो, हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आज रीड आउट करने वाले हैं ठीक है तो या और फाइव ईयर प्लान जो है वो हम ट्रिक्स के साथ पढ़ने वाले हैं ठीक है आई नो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमेंबर इतने सारे फाइव ईयर प्लान सिंस इंडिपेंडेंस बट आई हैव सर्च ट्रिक्स फॉर यू तो वो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा ठीक है स्टार्ट करते हैं हमारे टैक्स सिस्टम ऑफ इंडिया से ठीक है ब्रॉडली हम डिवाइड करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस दैट इज डिरेक्ट टैक्स एंड इनडिरेक्ट टैक्स अब क्या होता है देखो हम जो पैसे कमा रहे हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इनकम टैक्स का हम जो पैसे कमा रहे हैं उस पर हमें कुछ शेयर कुछ परसेंटेज देना पड़ता है डायरेक्ट गवर्नमेंट को ठीक है जो पैसे डायरेक्ट गवर्नमेंट को जा रहे हैं दैट इज़ द डायरेक्ट टैक्स लेकिन जो चीज़ जो पैसा हमारा इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा रहा है मतलब हमने कुछ पैसे अर्न किए हैं वो हमने रेस्टोरेंट में जाके अच्छा अच्छा खाना खाने में वो दिया रेस्टोरेंट के बिल में आपने देखा होगा कुछ हिस्सा टैक्स का होता है ठीक है वो रेस्टोरेंट करेक्ट करेक्ट करता है और वो देता है किसको गवर्नमेंट को तो पैसा हमारा ही है लेकिन इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास गया है वो सब हम इनडायरेक्ट टैक्स में कैलकुलेट करते हैं ठीक है यहाँ से क्वेश्चन डिरेक्टली आते हैं कैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल्स हमारे क्या होंगे इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स ठीक है इनडायरेक्ट टैक्स का क्या हो जाएगा सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स आप जीएसटी भी कह सकते हो ठीक है जीएसटी भी कह सकते हो उसमें सेंट्रल टैक्स में क्या आ जाएगा जैसे एक्साइज ड्यूटी लगती है ठीक है और टैक्स ऑन प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स सर्विस टैक्स होता है कोई भी सर्विस प्रोवाइडर को हम uh, कुछ टैक्स प्रोवाइड करते हैं जो गवर्नमेंट को रीपे करते हैं देर आर कस्टम टैक्स ठीक है कस्टम टैक्स इंटरनेशनल ट्रेड पे लगता है स्टेट के अंडर क्या आता है सेंट्रल सेल्स टैक्स और वैट टैक्स फिर एंटरटेनमेंट ऑट्रकॉ लग्जरी टैक्स लॉटरी टैक्स ठीक है और जीएसटी का टोटल फंडा ये आ जाता है हमारे इनडायरेक्ट टैक्स में नाउ देर आर सम अदर एग्जाम्पल्स जिसको आप देख सकते हो यहाँ पे और अच्छे से मैंने दिया हुआ है डिरेक्ट टैक्सेस दीजा पेड डिरेक्टली बाय दी इंडिविजुअल और एंटिटी टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जिसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे हो गए इनकम टैक्स कॉपोरेशन टैक्स कैपिटल गेन्स टैक्स प्रोफेशन टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स रोड टैक्स और स्टैम्प टैक्स स्टैम्प ड्यूटी ठीक है स्टैंप ड्यूटी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है बहुत इंपॉर्टेंट है इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो दीज आर टैक्सेस आपको एग्जाम्पल्स याद रखने ठीक है दीज आर पेड द टैक्स बर्डन इज पास जैसे जीएसटी हो गया वैट हो गया कस्टम ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और सेल्स टैक्स ठीक है अपार्ट फ्रॉम डिरेक्ट एंड इनडिरेक्टैक्स देर आर थ्री वेरी इंपॉर्टेंट जैसे पहले रिग्रेसिव टैक्स को हम स्टडी करेंगे ना रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है टैक्स डिक्रीज होने लगता है ठीक है प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है इनकम इंक्रीज होती है टैक्स भी इंक्रीज होता है रिग्रेसिव टैक्स है ना बहुत बुरा होता है पुअर लोगों के लिए ठीक है पुअर लोगों के लिए अगर किसी ने बोल दिया टेन परसेंट टैक्स है तो वो पुअर के लिए भी सेम है और रिच के लिए भी वो सेम होगा ठीक है रिच के लिए भी सेम होगा अभी हम इन डिटेल देखेंगे पहले प्रपोशनल टैक्स को देख लेते हैं प्रपोशनल टैक्स में इनकम चेंज होता है लेकिन टैक्स हमेशा सेम रहता है ठीक है देखते हैं रिग्रेसिव टैक्स पहले रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है पुअर एंड रिच हैव टू पे द टैक्स इन परचेसिंग एवरी डे प्रोडक्ट एंड इसकी इनकम इतनी है फ्रैक्शन ऑफ मंथली इनकम इनको पे करना है तो देखो अगर किसी की इनकम दस रुपए है उसमें से आप वन परसेंट टैक्स बोलो तो यू हैव टू गिव रूपी ठीक है लेकिन अगर कोई हंड्रेड रुपीज स्पेंड करता है उसका वन परसेंट कितना टेन तो रुपीज हो गया बट वन रुपीज इज लॉट टू हु ठीक है उसके पास नौ रुपए ही बचे हैं लेकिन जो सौ रुपए कमा रहा है उसके लिए टेन इतनी बड़ी बात नहीं है परसेंटेज रिमेन सेम बट पुअर लोगों के लिए बहुत सारा अमाउंट निकल जाता है ठीक है तो दिस इज नॉट इन फेवर ऑफ पुअर पीपल राइट तो इसका एग्जाम्पल आप याद रख रहे न, रिग्रेसिव का, हो गया यूजर फीस हो 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 गई प्रॉपर्टी टैक्सेस टैक्सेस गया गया दीज आर रिग्रेसिव टैक्स ठीक है कि जैसे यहाँ पे मंथली इनकम सबकी सेम है लेकिन वो परसेंटेज सेम होगा ठीक है तो इसका वन अपॉन टी थाउजेंड अमाउंट जा रहा है ठीक है टैक्स में लेकिन सबसे कम जिसकी इनकम है उसका वन अपॉन फाइव अमाउंट चला जा रहा है ठीक है तो ये पुअर जो है कंपेयर इन कंपैरिजन टू दिस उसके लिए तो ये बहुत बुरी बात है ठीक है चलो ठीक है फिर आता है हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स क्या कह रहा है प्रोग्रेसिव टैक्स रिफर्स टू द इंक्रीज इन एवरेज रेट ऑफ टैक्स विद इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ टैक्सेबल इनकम जैसे हमारा इनकम टैक्स होता है कि कुछ स्लैब्स बने हुए हैं ठीक है ठीके? कुछ अमाउंट तक आपको कुछ टैक्स नहीं देना फिर वहां से सरपास होगा फाइव लाख से जैसे सरपास हो चुका है टेन लाख तक कुछ आ, कुछ स्लैब होगा आपका परसेंटेज होगा आपकी इनकम टेन लाख से ज़्यादा जा रही है तो आपका टैक्स परसेंटेज भी ज़्यादा हो जाएगा इन सिमिलर वे ठीक है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा ठीक है ओके अमाउंट ऑफ टैक्स इनकम सो दैट लाइबिलिटी ऑफ पेइंग टैक्सेस वो ऑन अ हायर इनकम जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा टैक्स पे करे वो उसपे सारा बर्डन आए राइट right? those with the lower income can have a relaxation from heavy income tax obligations jinki income kam hai un pe kam percentage aaye tax unko kam bharna pade theek hai so this is progressive tax ठीक है इसके question statement form में भी आ सकते हैं direct form में भी आ सकते हैं तो आपको इसका concept clear होना चाहिए right? और यहाँ पे एक बहुत अच्छा कंपैरिजन आपको दिख रहा होगा बिटवीन प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव टैक्स 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 एंड रिग्रेसिव में क्या हो रहा है द द रिच यू आर मोर ऑफ योर टोटल इनकम टू पे ठीक है जितना आप रिच बनोगे उतना ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा लेकिन रिग्रेसिव में क्या हो रहा है द पुअर यू आर द मोर ऑफ योर टोटल इनकम यू पे ठीक है जितने आप पुअर हो तो आपको उसी का परसेंटेज देना पड़ेगा तो आपका ज़्यादा अमाउंट डिडक्ट होता है इन टाक्सेस ठीक है तो पुअरर के लिए ये रिग्रेसिव टैक्स बहुत बुरे हैं ठीक है थीके? तो साथ साथ में मैंने जो थॉट्स लिखे हैं ना उसको भी रीड करते जाना दे आर वेरी इंपॉर्टेंट अभी बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम प्रिपरेशन में तो आप क्विकली रिवाइज करो बहुत स्पेसिफिक टॉपिक्स पे रिवाइज करो दैट इज टोटली ओके बट दिस इज नॉट एट ऑल रिप्लेसमेंट ऑफ अ सिस्टमैटिक स्टडी ठीक है ओके तो 2022 का जो ईयर आ रहा है इन श्योर योर सिलेक्शन इन दैट ठीक है वापस से वेट मत करो कि कोई मैराथन सेशन लाएगा और हम फट से कर लेंगे अपने लक पर मत करो मत खेलो दिस ऑज़ योर करियर ठीक है ये आपका करियर है प्लीज़ लक के बेसिस पे मत चलो कि जो पढ़ा वही एग्ज़ाम में आ गया और एग्ज़ाम क्लियर हो गया नो no, एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन रखो फोकस्ड हो जाओ सलेक्शन लेने में और ज़्यादा खुशी होगी ठीक है ओके प्रपोशनल टैक्सेस की बात करें तो क्या होगा एनुअल इनकम ऑफ फोर पीपल यहाँ पे अलग अलग है तो यहाँ पे प्रपोशनल टैक्स लगेगा इनकम टैक्स रेट जैसे यहाँ पे वेरी हाई हाई मीडियम लो ऐसे भी प्रपोशन में चलेगा जैसे हमने यहाँ पे स्टडी किया था इनकम चेंजेस बट टैक्स ऑलवेज रिमेन चेम सेम ठीक है दिस ऑलवेज रिमेन्स सेम ऑल राइट अब हम बात करेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अब चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं लेकिन पूरे फोकस के साथ हम सुनना ठीक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये क्या कहता है पहले टेक्निकल टर्म्स में समझ लेते हैं दिस इज अ लॉ दैट स्टेट्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट्स ऑफ गुड इवेंचुअली डिक्लाइंस मतलब आप जैसे पिज्ज़ा के उसमें चलते हो आप पहले डोमिनोज जा रहे हो आपने फर्स्ट बाइट खाया यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट आपका जो लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन है वो एट मोस्ट होगा लेकिन ठीक है धीरे धीरे आपकी भूख खत्म होती जाएगी वो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट कम होता जाएगा यदि एंड आपका सेटिस्फैक्शन लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा ठीक है तो ये यही कह रहे हैं जो गुड्स का हम कंज्शन करते हैं उसका सेटिस्फैक्शन लेवल इनिशियली बहुत ज़्यादा होता है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम खाते जाते हैं खाते जाते हैं तो उसका जो वो मज़ा होता है वो बिल्कुल कम हो जाता है ठीक है रिपीटेड चीज़ें फिर हमें एक्साइट नहीं करती हैं लाइक right? यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है इसके ग्राफ के ऊपर से आपको क्वेश्चन आएगा ठीक है यहाँ पे हमने वाई एक्सस पे यूटिलिटी को रख दिया यहाँ पे यूनिट्स कंज्यूम्ड को रख दिया जैसे जैसे हम यूनिट्स uh, को कंज्यूम कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी सीधा नीचे 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 जा रही है और एक लेवल ऐसा आता है कि आपका डिससेटिस्फैक्शन मतलब नो आई डोंट वॉन्ट टू ईट मच मोर पिज्ज़ा अब मुझे बिल्कुल भी नहीं ना, कोई फ्री में भी दे दे फिर भी नहीं खाना। I'm over it, no. ऐसा हो जाता है राइट ठीक है जैसे आपकी भिंडी की सब्जी बहुत फेवरेट होती है बहुत फेवरेट होती है लेकिन अगर आपकी मम्मी आपको रोज रोज बना के खिलाने लग जाए तो एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है ठीक है मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग चला जाता है एंड इट कैन ऑल्सो गो नेगेटिव जो मैं स्टेटमेंट अभी बोल रही हूँ दो ज्यादा क्वेश्चन विच हैज डायरेक्टली कम इन योर सीरियस एग्जाम ठीक है तो आपका एक स्टेटमेंट क्लियर हो गया मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में भी जा सकती है नेगेटिव में भी जा सकती है ठीक है और वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ठीक है ये स्टेटमेंट्स आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिमिनिशिंग है मार्जिन यूटिलिटी चार्ट यहाँ पे क्या है स्टेट ऑफ बीइंग एंजॉएबल और बेनिफिशियल यहाँ पे कॉस्ट और क्वांटिटी है जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ रहा है आप ज्यादा खाना खा रहे हो तो आपका एक सैचुरेशन फेस आ जाता है ठीक है एक सैचुरेशन का आपका फेस आ जाता है चलो अब बात आती है इनडिफरेंस मैप की इस मैप पे हम वापस आएंगे पहले जान लो इन डिफरेंस मैप होता क्या है देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट जान लो आपके पास एक लिमिटेड बजट है ठीक है क्या है आपके पास एक लिमिटेड बजट है उसमें आपको कुछ दो या तीन चीज़ें खरीदनी है ठीक है यू हैव टू मैनेज दिस बजट अब आप क्या करोगे आप ये आप सिलेक्ट करोगे कि आप एक ही चीज़ खरीद लो बहुत सारी या तो जैसे फॉर एन एग्जांपल आपको एक बुक खरीदनी है ठीक है एक बुक खरीदनी है और एक पेन खरीदना है ठीक है और यू हैव अ लिमिटेड बजट आपके पास क्या चॉइस होगा ठीक है अगर आपको पेन नहीं लेना होता तो आप सारी बुक्स ले लेते आपको बुक्स नहीं लेनी होती आप सारी पेन्स खरीद लेते अब आपको बीच में मैनेज करना है इसमें ठीक है यू हैव ऑप्शन आप सिर्फ बुक तो ले लो या तो सिर्फ पेन ले लो या तो थोड़े से बुक थोड़े से पेन ले लो ठीक है यू हैव टू मेंटेन योर बजट एज वेल यहीं पे इन डिफरेंस कर्व अपना रोल प्ले करता है देखो ये क्या होता है ये सारे स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट है डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंबाइंड प्रोडक्ट दैट गिव्स सिमिलर काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर देयर बाई मेकिंग देम डिफरेंट देखो क्या होता है दोनों की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे बुक की भी रिक्वायरमेंट है ये सेम काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा कंज्यूमर को मतलब आपको बुक की भी रिक्वायरमेंट है पेन की भी रिक्वायरमेंट है वी हैव टू मैनेज आर बजट मतलब इन डिफरेंस कर्व जो है वो ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ठीक है ये गुड एक्स वाई जो मैंने आपको बुक और पेन बोल दिया ये हमेशा इसका कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा आप चाहे कितने भी इंडिफरेंस कर्व बना दो ना ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा ठीक है इट हैज अ नेगेटिव स्लोप इन सारी चीजों को अंडरलाइन कर लो पी डी एफ यूल गेट ऑन टेलीग्राम राइट सेल्स डिफेंस मीनू ऑन टेलीग्राम आपको मिल जाएगा इन डिफरेंस कर्व हैज अगेटिव स्लोप मतलब इट स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रीजन बींग इफ अ कंज्यूमर डिसाइड्स टू हैव मोर यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी से एप्पल्स आप बुक ले सकते हो क्वॉन्टिटी ऑफ अदर गुड गुड से ऑरेंजेस मस्ट फॉल मतलब अगर आपने डिसाइड किया कि बुक आपको ज्यादा चाहिए तो ऑटोमेटिकली आपको पेन कम खरीदने पड़ेंगे बिकॉज़ ऑफ़ दिस लिमिटेड बजट ठीक है अगर आपको ऐसा लग रहा है मुझे पेन बहुत सारी चाहिए तो आपको बुक के काउंट को कम करना पड़ेगा ठीक है तो ये हमेशा नेगेटिव ही जाता है ओके okay. दूसरी बात इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये हमेशा क्या रहेगा कॉन्वेक्स रहेगा ये स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं ठीक है दिस इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अ कंज्यूमर इज ऑलवेज विलिंग टू सैक्रिफाइस लेसर यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अनद गुड मार्जिनल यूटिलिटी क्या क्या कहता है इन वेरी लिटरल भाषा कि हमारा चीज़ों से मन भरने लग जाता है अगर हमारे पास बहुत सारी बहुत सारी बुक्स होंगी तो ऑब्वियसली विल गो ऑन पेंस ठीक है हम नई चीज़ों पे जाने जाने की कोशिश करेंगे तो ये हमेशा कॉन्वेक्स होता है इन नेचर हायर इन डिफरेंस कर्व रेप्रजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हायर इन डिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट लार्जर बंडल ऑफ गुड्स मतलब बंडल्स विच क्या विच कंटेंट मोर और बोथ और मोर एटलीस्ट वन इट इज एज्यूम दैट कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेज आर मोनोटॉनिकलवेज प्रीफर्स लार्ज बंडल एज इट गिव्स दम हायर सेटिस्फैक्शन अब इतने तक समझ नहीं आ रहा था लेकिन यहाँ पढ़ के टोटली समझ आ गया ना ही ऑलवेज प्रेफर्स लार्जर बंडल एज इट गिव्स हिम हायर सेटिस्फैक्शन आई गेस ये इन डिफरेंस कर्व आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तो ये बहुत सिंपल से कंसेप्ट बहुत प्रैक्टिकल से कंसेप्ट हैं बस इसको इकोनॉमिक्स को ज़्यादा टेक्निकल कर दिया है बट आई होप नाउ इट इज़ वेरी ईजी एंड वेरी क्लियर टू यू चलो अब बात करते हैं यहाँ पर पी पी सी कर्व का या तो इसे क्या कहते हैं टॉलरेंस कर्व भी कहा जाता है टॉलरेंस कर्व पी पी सी कर्व ठीक है पी पी एफ कर्व इस नाम से भी इसको जाना जाता है ठीक है ये टोटली इन डिफरेंस कर्व से अपोजिट है इन डिफरेंस कर्व हमारा ऐसे था ये हमारा ऐसे होगा चलो जान लेते हैं इसके बारे में इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सिस एंड गिवन टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी का एफिशेंट यूटिलाइजेशन करके हमें गुड्स प्रोड्यूस करने हैं ठीक है इट गिव्स दस मैक्सिमम लिमिट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस ठीक है जितने रिसोर्सेज है जितनी टेक्नोलॉजी है सबका यूज करके हम जितने मैक्सिमम गुड्स बना सकते थे हमने बना लिए इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री या तो प्रो पी पी एफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से भी जानते हैं शेप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इसका शेप कैसा होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एंड कॉन्केव टू द पॉइंट ऑफ ठीक है वो कॉन्वेक्स था ये कॉन्केव हो जाएगा ऑल राइट right? ये कॉन्केव हो जाएगा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शेप कॉन्वेक्स कॉन्केव डाउनवर्ड स्लोपिंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन क्या है इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ रिसोर्स वी हैव टू सेक्रीफाइस फ्यू यूनिट्स ऑफ अनदर वन एज रिसोर्सेज आर ऑलरेडी बींग यूटिलाइज्ड ठीक है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है क्योंकि हमें अगर एक और यूनिट बनाना है तो हमें दूसरा यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ठीक है दिस इज कॉन्केव इन शेप ड्यू टू इंक्रीजिंग एम आर टी दैट इज टू प्रोड्यूस एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कॉमोडिटी मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अदर कॉमोडिटी आर सेक्रीफाइज ठीक है क्योंकि उसमें रिसोर्सेज लग रहे हैं अब हमें नई चीज़ बनानी है तो पिछली चीज से हमें को सैक्रिफाइस करके उसका प्रोडक्शन स्टॉप करके हमें रिसोर्सेस चाहिए ताकि हम न्यू बनाएं ठीक है ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है टॉलरेंस कर्व बोल लो पी कर्व बोल लो पी कर्व बोल लो और इनडिफरेंस कर्व ठीक है चलो अब हम इस कॉन्सेप्ट पहुंच चुके हैं लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई ठीक है demand, supply, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है मैंने बहुत कॉम्पैक्ट तरीके से आपको बता रखा है लॉ ऑफ डिमांड आपका कैसे होगा लॉ ऑफ डिमांड मतलब ये प्राइस के इनवर्स प्रोपोर्शन में चलेगा ठीक है जैसे जैसे प्राइस डाउन होगा डिमांड बढ़ती जाएगी जैसे जैसे प्राइस अप होगा डिमांड कम होती जाएगी ठीक है जैसे पेट्रोल अब महंगा हो रहा है तो आप अपनी डिमांड कट डाउन कर रहे हो कि घूमने जाने की क्या ज़रूरत है पैदल चले जाएंगे कहीं नज़दीक चले जाएंगे आपकी डिमांड कम हो गई कल को पेट्रोल प्राइजेस अगर फिफ्टी परसेंट हो जाए तो यू विल से चलो अब तो पेट्रोल प्राइजेस कम हो गए घूमने चलते हैं बाहर चलते हैं हर जगह गाड़ियों पर चलते हैं प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ गई ये इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है ठीक है कंज्यूमर आर मोर विलिंग एंड एबल टू कंज्यूम द गुड ठीक है एक तो विलिंगनेस भी होती है और एक तो एबिलिटी भी होती है अफोर्डेबिलिटी भाई अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे तो कैसे करोगे तो ये इनवर्स रिलेशन शो करता है दैट्स वाई इट हैज़ नेगेटिव स्लोप और डाउनवर्ड स्लोप ठीक है चलो ये लॉ ऑफ डिमांड हो गया लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है लॉ ऑफ सप्लाई कहता है हायर इज द प्राइस लार्जर द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड मतलब कोई चीज़ बहुत महंगी मिल रही है और वो बिक रही है तो जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो सोचेंगे कि चलो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है हमारा ठीक है इसमें ज़्यादा प्रॉफ़िट हो रहा है इसका और हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें और प्रॉफ़िट होगा जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होगा क्वांटिटी की सप्लाई भी बढ़ेगी ठीक है क्वांटिटी की सप्लाई भी बढ़ेगी जैसे एक चीज़ सोच लो दस रुपये की मिल रही है बीस रुपये की मिल रही है ठीक है दोनों मार्केट में है अब बीस रुपये की चीज़ जो बिक रही है उसमें ज़्यादा प्रॉफिट है तो वो लोग क्या सोचेंगे इसका प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं ताकि हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा हो ज़्यादा से ज़्यादा बीस रुपये की चीज़ें बिकेंगी हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा ठीक है जैसे ही प्राइस डाउन होता है तो उसमें प्रॉफिट भी कम होता है इसलिए वो क्वांटिटी की सप्लाई भी कम कर देते हैं ठीक है प्राइस इंक्रीज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है लॉ ऑफ डिमांड क्या कर रहा था फिर दो अलग अलग कंसेप्ट है ठीक है समझना ये कॉन्सेप्ट नंबर वन ये कॉन्सेप्ट नंबर टू कॉन्सेप्ट नंबर वन लॉ ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई में प्राइस और सप्लाई जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहे हैं ठीक है दिस थिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू यहाँ पे आपको दोनों के कर्व एक साथ दिखाई दे रहे होंगे प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का ये ऊपर बढ़ता हुआ ग्राफ है डिमांड का ये नीचे जाता हुआ ग्राफ है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्वीलिब्रियम ठीक है दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्वीलिब्रियम बहुत सिंपल शेप याद रखना है आपको डिमांड और सप्लाई का दिस इज वेरी सिंपल ठीक है चलो अब कुछ एक्सेप्शन होते हैं ठीक है कुछ एक्सेप्शन होते हैं लॉ ऑफ डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड हमने देख चुका है बट देर आर सम ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है एक्सेप्शन क्या है गिफ गुड्स आर्टिकल ऑफ डिस्टिंगशन गुड्स आई नो यू आर लिटिल कन्फ्यूज अबाउट गिफ गुड्स डोंट वरी बता रही हूँ पहले जान लो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या क्या है ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है ठीक है बहुत सारे एग्जाम एग्जाम में पूछा गया है गिफ गुड्स आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन गुड्स कंज्यूमर इग्नोरेंस सिचुएशन ऑफ क्राइसिस के दौरान फ्यूचर प्राइस एक्सेप्ट एक्सेप्टेशंस ठीक है अब गिफ्ट एंड गुड के अलावा सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ईजी हैं वीडियो को दो मिनट पॉज करो और सोचो सिचुएशन ऑफ क्राइसिस इमरजेंसी के सिचुएशन में कैसे लॉ ऑफ डिमांड का ये उल्लंघन कर रहा है कैसे ये कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है ठीक है कंज्यूमर इग्नोरेंस हो रहा है तो ये कैसे लॉ ऑफ डिमांड आप थोड़ा सा दिमाग में लोगे ना इकोनॉमिक्स इज रियली वेरी सिंपल ए प्रैक्टिकल एग्जांपल जैसे मैंने अभी पेट्रोल प्राइस बताया आपको ठीक है बहुत रिलेटेबल है दो मिनट इसको पॉज कर लो वीडियो को फिर कंप्लीटली आप देख लेना चलो गिफ्ट एंड गुड के बारे में आते हैं तो बहुत सारे गुड्स हमें पढ़ने ही पड़ेंगे ठीक है एग्जाम में पूछा जाता है तो क्विकली देखते हैं अलग अलग टाइप के गुड्स के बारे में पूछा जाता है देर आर इन्फीरियर गुड

हो अनब्रांडेड कपड़े ले जब आपकी इनकम कम होती है ठीक है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है यू प्रेफर टू वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स ठीक है यू प्रेफर टू वेयर ब्रांडेड क्लोथ्स फिर चाहे आपका जो अनब्रांडेड क्लॉथ है उसकी डिमांड Uh, क्या बोलते हैं उसकी उसका कुछ भी हो जाए यू विल नॉट प्रेफर टू टेक दैट ठीक है इंक्रीज़ इन इनकम फिर भी फॉल इन डिमांड हो जाएगा इसकी डिमांड ही नहीं होगी आप इसकी डिमांड दिख जाएगी अगर आपकी इनकम ऐसे बढ़ रही है तो ये हमारा कौन सा गुड हो गया जो अनब्रांडेड क्लोथ्स थे हमारा इन्फीरियर गुड हो गया ठीक है इन्फीरियर गुड हो गया ये लोग भी कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं वो आप देख लेना मैंने आपको बहुत सही सा एग्ज़ाम्पल दिया है ठीक है नॉर्मल गुड की बात करें दिस मीन्स एन इंक्रीज इन इनकम कॉज अ इंक्रीज इन डिमांड when you earn 20k you may have only two branded jeans with increasing in uh, income you would you would like to buy more branded jeans yes J जैसे जैसे हमारे income बढ़ती है हमारी demand बढ़ जाती है है ना दैट इज कॉल्ड नॉर्मल गुड पहले आपके पास दो जोड़ी कपड़े होते हैं जब आपकी इनकम बढ़ जाती है यू यू लाइक टू हैव ट्वेंटी पेयर्स ऑफ क्लोथ्स ठीक है स्पेशली गर्ल्स के लिए तो होता ही है और राइट right. वो नॉर्मल गुड है ठीक है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी डिमांड्स भी बढ़ रही हैं ठीक है ओके लग्जरी गुड क्या होता है एन इंक्रीज इन इनकम कॉजेज अ बिगर इंक्रीज इन डिमांड ऑफ सच गुड जैसे आप जैसे जैसे इनकम आपकी बढ़ती है आपके आपको बहुत मन करता है मैं आई फोन थर्टीन खरीद लूँ या तो कोई भी न्यू वर्जन ऑफ आई फोन मैं खरीद लूँ नई सीडान गाड़ी खरीद लूँ तो दैट इज़ लग्जरी गुड ठीक है वैन इनकम राइजेज पीपल स्पेंड हायर परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन लग्जरी गुड ठीक है फिर वो लोग सोचने लग जाते हैं कि यार सेविंग वेविंग क्या ही करना जवानी में यूज़ नहीं किया तो कभी यूज़ किया तो लग्जरी गुड गुड्स टेक वेरी हायर परसेंटेज ऑफ आर इनकम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है गुड्स विच आर यूज टूगेदर जैसे पर्सनल कंप्यूटर के साथ आप स्पीकर डीवीडी के साथ डीवीडी सॉरी टीवी के साथ डीवीडी प्लेयर आप यूज करते हो ठीक है अब तो आईफोन के साथ आईफोन आई क्लॉथ भी आ गया यू नो आई क्लॉथ भी ये लोग बेचने लग गए हैं एप्पल वाले तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ठीक है सब्स्टिट्यूट गुड्स सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होता है गुड्स विच आर ऑल्टरनेटिव जैसे थम्स अप और कुक आर सब्सटीट्यूट गुड्स ठीक है आपको कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है आपको नहीं फर्क पड़ता वो अप है या कुक है मिरिंडा है या फैंटा है दोज आर सब्सटीट्यूट गुड्स ठीक है ये नहीं तो ये चलेगा वो पर्पज सर्व कर रहा है अब बात आती है हमारी गिफ गुड की जिसकी वजह से हमने गुड्स की कथा शुरू की थी ठीक है गिफ्ट इन गुड क्या होता है अ रेयर टाइप ऑफ गुड वेर एन इंक्रीज इन प्राइस कॉज एन इंक्रीज इन डिमांड इनकम इफेक्ट कम्स इन टू प्लेस अ राइज इन प्राइस कॉज यू टू बाय मोर ऑफ दिस बिकॉज यू कॉन्ट एफोर्ड मोर एक्सपेंसिव गुड्स देखो ये लॉ ऑफ डिमांड का वो हुआ लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा था प्राइज इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज होता है लेकिन यहाँ पे प्राइज इनकी इंक्रीज के साथ डिमांड भी इंक्रीज हो रही है फॉर एग्जाम्पल इफ प्राइज ऑफ वीट राइज अ पुअर पर्सन में नॉट बी एबल टू अफोर्ड दैट यू नो चिकन एनी मोर सो ही हैज टू बाय मोर वीट ठीक है उसको ज्यादा से ज्यादा वीट लेना पड़ेगा ये है गिफ एन गुड ओके The income effect comes into place. A rise in price cause you to buy more and more of this good because you can't afford more expensive goods. एक्सपेंसिव ठीक है उससे भी महंगी कोई और चीज़ है आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपको यही खरीदना पड़ता है चाहे इसकी प्राइस भी क्यों ना बढ़ जाए ठीक है इसकी इसकी डिमांड बढ़ जाएगी ओके okay. उसके बाद स्नॉप गुड या तो विब्लैन गुड क्या होता है अ गुड वेयर एंड इनक्रीज इन प्राइस एनकरेज पीपल टू बाय मोर ऑफ जैसे दिस इज बिकॉज दे थिंक इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव गुड्स आर बेटर ठीक है जैसे कुछ ब्यूटी uh, सलों की भी ये ट्रिक होती है उस उनके प्राइस ज़्यादातर वो ज्यादा रखते हैं जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूँ बहुत रिलेटेबल एग्जाम्पल दूँ ना आपको तो डिफेंस कोर्सेज के डिफेंस स्टडी किट्स के प्राइजेस लोग सोचते हैं ये महंगा है इसलिए बेटर होगा डिफेंस मीडिया लीस्ट प्राइज़ पर दे रहे हैं तो वो शक करने लग जाते हैं कि ये क्वालिटी ठीक भी होगी या नहीं होगी तो प्लीज़ आप किसी भी एकेडमी के विजन को उसके मिशन को समझने की कोशिश करो कोई हेल्प करने की कोशिश कर रहा है ठीक है एक हवा नहीं बना रहा एक बबल नहीं बना रहा कि भाई हम भी प्राइस इंक्रीज़ कर दें ताकि लोगों को लगे जैसे हार्ड टू रीच चीज़ें हमें ज़्यादा पसंद आती हैं ना कोई हमारे पीछे पड़ा रहता है तो हमें बहुत वो मतलब हम हम उसको ध्यान नहीं देते हम उसको भाव नहीं देते लेकिन जो भाव खाता है तो भाई उसी के पीछे लोग लग जाते हैं तो अंडरस्टैंड दिस थिंग ठीक है पब्लिक गुड्स पब्लिक गुड्स द गुड्स विद कैरेक्टरिस्टिक्स विच कुड बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ओनली विदाउट कंपटीशन मतलब ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होता है इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता लाइक पुलिस सर्विस डिफेंस रेलवेज इन इंडिया ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत सिंपल है ठीक है मेरिट गुड्स मेरिट गुड्स क्या होता है गुड्स विच पीपल में अंडर एस्टिमेट द बेनिफिट जैसे एजुकेशन जैसे डिफेंस में के कोर्सेस ठीक है मेरिट गुड्स बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं बट आफ्टर द रिजल्ट यू कम टू नो कि यार काश कर लिया होता हमारा भी एग्जाम की क्लियर हो चुका होता बट नेवर माइंड 2022 ट्वेंटी ऑलरेडी रिलीज द कोर्सेज फॉर सीडियस एंड आफ कैट यू कैन चेक इट आउट चलो डी गुड्स क्या होता है गुड्स वेयर पीपल अंडर एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमिंग जैसे स्मोकिंग और ड्रग्स लोग इसे लेते हैं नहीं लेना चाहिए जो लेना चाहिए वो लेते नहीं है तो ये थोड़ा ऑपोजिट हो गया याद रखने में आसानी होगी प्राइवेट गुड्स क्या होता है गुड्स विच डू हैव राइवरी एंड एग्जूटबिलिटी अब ये बहुत अच्छा वो कैप का वर्ड है गूगल इट आउट और इसके सेनोनेम्स आप कॉन्ट कॉमेंट सेक्शन में लिखो ठीक है आई आई नाउ हैव टू चेक कि कितने डेडिकेटेड बच्चे हैं यहाँ पर कितने एफर्ट डालने वाले बच्चे हैं ये नहीं कि सोच सो के बस देख रहे हैं और मैम पढ़ाई जा रही हैं पुट्स एम एफर्ट इन टू इट ठीक है इसका मतलब गूगल आउट करो इसके सारे सिनोनेम्स यू हैव टू तो कमेंट बिलो ठीक no है अपोजिट ऑफ पब्लिक गुड्स प्राइवेट गुड्स बहुत सिंपल है क्या एयर है फ्री गुड्स है है, ठीक जितना चाहे लो, अब मार्केट सिस्टम इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ध्यान से देखना ब्रॉडली there आर फोर मार्केट structures दैट इज मोनोपोली ओलिगोपोली monopolistic competition, परफेक्ट competition, देखो मोनोपोली में क्या होता है सिर्फ एक ही फॉर्म होता है ठीक है एक ही फॉर्म होता है ये जैसे चाहे अपने प्राइस बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं ये ब्रॉड ब्रॉड है ठीक है यहाँ पे आपको इन डिटेल भी मैं बताने वाली हूँ ठीक है मोनोपोली ओलिगोपोली में क्या होता है फ्यू फॉम्स है जैसे एयरलाइंस है कितने ही ऑप्शन हैं आपके पास uh, जैसे विस्तारा हो गया एयर इंडिया हो गया स्पाइस जेट इंडिगोगो एयर बहुत कम ऑप्शन हैं आपके पास दीज आर ऑलिगोपॉली एयरलाइंस ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इनफैक्ट इनमें से सारे ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे मार्केट स्ट्रक्चर पे सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं एयरलाइंस मास मीडिया कंप्यूटर ऑयल एंड गैस ऑयल एंड गैस में भी कितने ऑप्शन है आपके पास रिलायंस है एच पी है शेल है कार्स में दीज आर ऑलिगोपॉली अब ये मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या होता है डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं दर इज वट इज डिफरेंस बिटवीन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन परफेक्ट कंपटीशन में आइडियल प्रोडक्ट्स होंगे हर जगह सेम चीज़ बहुत सारी दु, दु, दुकानें सेम चीज़ बेच रही होंगी और वहाँ पे एक तगड़ा कंपटीशन होगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है कि उसमें प्रोडक्ट्स डिफ्रेंशिएटेड होते हैं ठीक है ठीके? प्रोडक्ट्स डिफ्रेंशिएटेड होते हैं यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स आप लर्न आउट कर लो यहाँ पे आप इस तरफ जाओगे तो एक आइडियल आइडियल आउटकम्स होंगे जैसे जितना कंपटीशन मार्केट में होगा ना उतना फेयर प्राइजिंग होगी ठीक है इस तरफ आप जाओगे तो फेयर प्राइजिंग होगी आपको कोई ऐसे ठग नहीं सकता यू हैव टू एंश्योर क्वालिटी एज वेल क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं तो आप प्राइज़ और क्वालिटी दोनों पर देखोगे जब भी यहाँ यहाँ से हम यहाँ जाएंगे ना फेयर प्राइजिंग का कंसेप्ट भी हट जाएगा और ओनली थिंग अवेलेबल है तो आप क्वालिटी में तो क्या ही जाओगे इट इज लो लो तो लो वरना कोई बात नहीं आप पता है दुकानदार के एटीट्यूड में भी एक डिफरेंस आ जाता है जब एक प्योर कंपटीशन वाले में जा, जाएंगे तो आपको प्यार से ट्रीट करते हैं आपको प्यार से कन्विंस करते हैं कि क्यों उनका प्रोडक्ट लेना चाहिए क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन है भाई तू नहीं तो कोई और बट मोनोपोली में जाएंगे तो वो बोलेंगे भाई लेना है तो ले वरना आगे बढ़ो ठीक है उनका एटीट्यूड बदल जाता है तो इस तरह से आपको समझ आएगी चीज़ें प्योर कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स होते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं मतलब सेम प्रोडक्ट्स होते हैं रिलेटिवली ईजी होता है यहाँ पे एंट्री करना क्योंकि बहुत सारे दुकानें एक और सही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है बहुत सारे सेलर्स होते हैं लेकिन प्रोडक्ट्स डिफ्रेंशियटेड होते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं यहाँ पे भी इजी होता है मार्केट में एंट्री करना ओलिगोपोली में बहुत कम सेलर्स होते हैं बहुत फ्यू सेलर्स होते हैं आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं डिफ्रेंशियटेड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं मोनोपोली में एक ही सेलर होता है बहुत कम सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होता होते हैं difficult होता है ठीक है थोड़ा डिफिकल्ट होता है मार्केट में एंट्री करना तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल जहाँ सुपर सुपर इंपॉर्टेंट उसको याद कर लेना अब हम एंटर करते हैं फाइव ईयर प्लान्स में ठीक है फाइव ईयर प्लान्स में देखो थक गए हो वीडियो पॉज कर सकते हो ब्रेक ले सकते हो बट वीडियो को ब्रेक ऐसे मत करना कि मैं बाद में देख लूंगा बाद कभी भी नहीं आता ठीक है आपका छूट जाएगा एंड इकोनॉमिक्स सच्ची में बहुत ईजी सा सब्जेक्ट है आराम से आपके दस बारह क्वेश्चन निकल सकते हैं तो वाई नॉट एक बार अभी पढ़ना है और एक बार रिवीजन करना है दैट इज इट आपका आधा कट ऑफ का मार्क्स ये क्लियर करा सकता है ठीक है चलो फाइव ईयर प्लान शुरू कब हुआ था एक तो टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है और उसमें कौन कौन सी कोर फोकस गवर्नमेंट का कोर फोकस क्या था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है फर्स्ट फाइव ईयर प्लान 1951 से लेके 1956 फिफ्टी सिक्स तक सिपकॉट इज हियर सिपकॉट क्या है एस स्टैंड फॉर सोशल सर्विस इंडस्ट्री पावर कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट दीज आर कोर फैक्टर्स ऑफ फोकस ठीक है कोर फैक्टर्स ऑफ फोकस फिर हमारा आता है सेकेंड फाइव ईयर प्लान जो 1956 से 61 तक चला था मद्रास मतलब इसे महानोलोबिस मॉडल मॉडल भी कहा जाता है महानोलोबिस मॉडल नाउ कमेंट एंड टेल मी फर्स्ट फाइव ईयर प्लान को क्या नाम से जाना जाता है ठीक है महानोलोबिस प्लान जिसका मद्रास एटॉमिक एनर्जी कमीशन हुआ था दुर्गापुर स्टील कंपनी टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल रिसर्च रॉकेला स्टील कंपनी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था ठीक है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत फोकस हुआ था एग्रीकल्चर सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी हुई थी इन सेकेंड फाइव ईयर प्लान फिफ्टी 36 1961 थर्ड फाइव ईयर प्लान में क्या हुआ था 19 आ, 61 से लेके 66 तक जब हमारे बीच में एक वॉर भी आ चुकी थी आ, 1965 का वॉर इंडिया पाकिस्तान सैड सेल्फ रिलायंस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री यहाँ पे ज्यादा सेल्फ रिलायंस ठीक है सेल्फ रिलायंस बहुत हमें रिलाइज हो चुका था कि नहीं भाई अब अपने दम पे कुछ करना पड़ेगा ठीक है सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया गया था ये क्वेश्चन एक्जैक्टली exactly आपको पूछे जाते हैं ठीक है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला फेज कौन था सेल्फ थर्ड ईयर प्लान में फिफ्थ फाइव ईयर प्लान जो 74 से लेके 79 तक था उसका ट्रिक है आपका पी जो पर्सन स्टडीज इन तमिलनाडु है पोवर्टी एराडिकेशन वॉज मोटो सेल्फ रिलायंस वॉज अगेन इन एक्शन ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम आया था मिनिमम नीड प्रोग्राम आया था ठीक है मिनिमम नीड प्रोग्राम आया था ईयर प्लान हमारा 1980 से लेके 1985 तक आया था मेल मतलब मैनेजमेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लोकल डेवलपमेंट स्कीम्स को ज्यादा एम्फोसाइज किया गया था ज्यादा स्ट्रेस किया गया था यहाँ पे राइट सेवन फाइव ईयर प्लान देखो आई एम प्लानिंग के कुछ मस्त डायग्रामेटिक ट्रिक्स uh, भी बनाऊँ इसका लेकिन दैट आई बी शेयरिंग ऑन इंस्टाग्राम ठीक है दैट आई बी शेयरिंग ऑन इंस्टाग्राम वो सारी फाइव ईयर प्लान्स की तो आप डिफेंस uh, मेनिया को भी फॉलो कर सकते हो दिस इज डिफेंस अंडर स्कोर तो वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स मिल जाएंगी ठीक है सेवन फाइव ईयर प्लान नाइनटीन से लेकर नाइनटीन नाइन्टी ई कंटिन्यूसल्फ अबेड हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे बात हुई चलो अब तो जाके फूड ग्रेन प्रोडक्शन वॉज डबल्ड जवाहर रोजगार योजना आई थी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ हो रहा था हमारा तब से चल रहा है हिंदू मुस्लिम एट फाइव ईयर प्लान 1992 से लेके 1997 नाइनटी एल पी जी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा ठीक है हम हमने सोचा था कि चलो ठीक है अब हमें थोड़ा सा इंट्रोवर्ट नहीं बनना हमें एक्सट्रोवर्ट बनना है हमारी थोड़ी सी पॉलिसी हमें लिबरल करनी पड़ेगी ताकि फॉरेन कंपनीज़ भी हमें इन्वेस्ट करें हम बाहर जाएं और हमारी इकोनॉमी ग्लोबल बन सके ठीक है नाइन्थ फाइव ईयर प्लान नाइनटीन से लेके टू थाउजेंड दैट इज एम्प्लॉयमेंट फॉर वीमेन की बात हुई है एस सी की बात हुई है नाइन्थ फाइव ईयर प्लान में ठीक है ये पूछा जाता है सेवन बेसिक मिनिमम सर्विस की बात हुई है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस प्राइमरी एजुकेशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये पीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना ठीक है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस प्राइमरी एजुकेशन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी ये नाइन्थ फाइव ईयर प्लान है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकर टू थाउजेंड के बीच में इलेवन फाइव ईयर प्लान हमारा टू से लेकर टू तक टीचर्स व टेली कम्युनिकेशन टू जी इलेक्ट्रिसिटी एनवायरमेंटल की बात हुई थी हेल्थ एंड एजुकेशन एनवायरमेंटल रैपिड ग्रोथ स्किल डेवलपमेंट ठीक है ये सारा इलेवेंथ फाइव ईयर प्लान में डिस्कशन हो चुका है ठीक है ऑल राइट यहाँ तक समझ आ गई चीजें या लाइक कर देना इफ यू लाइक बहुत मुश्किल से मैंने ये ट्रिक्स ढूंढी है अब बात आती है हमारे कर्वस पे ठीक है कर्व्स पे हमारी बात आती है देर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट कर्व्स दैट आर डायरेक्टली इन योर एग्जाम नंबर वन क्वेश्चन इज कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई एक्स इन दिस पर्टिकुलर कर्व सेकेंडली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है थर्ड क्वेश्चन शेप क्या आता है इस आ, इस पर्टिकुलर कर्व का ठीक है वन बाय वन देखते हुए चलेंगे सबसे पहले लाफेयर कर्व लाफेयर कर्व रिलेशनशिप शो करता है टैक्स रेट्स और टैक्स रेवेन्यू के बीच में ठीक है कलेक्टेड बाई गवर्नमेंट ये क्या कहता है टैक्स रेवेन्यू अगर हम चेंज कर रहे हैं वेन टैक्स रेट इज इधर इंक्रीज और डिसक्रीज मतलब इट इट शोज इन्वर्टेड यू मतलब टैक्स रेवेन्यू टैक्स रेट जैसे जैसे हम टैक्स रेट बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम तक हमारा रेवेन्यू बढ़ जाएगा बट आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट फॉलोइंग ठीक है पहले हमारा टेन परसेंट टैक्स रेट था ट्वेंटी परसेंट हुआ थर्टी परसेंट हुआ हाँ एक एक टाइम आएगा जब तक आपकी रेवेन्यू भरती जाएगी भरती जाएगी बट उसके बाद इट विल शो अ शार्प डिक्लाइन तो इसका शेप कौन सा होता है इन्वर्टेड यू शेप ओके टैक्स रेट टैक्स रेवेन्यू लाफेयर कर्व बहुत सिंपल चल फिलिप्स कर्व अब ये फिलिप्स कर्व यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में मतलब

ओके okay, चलो इसका कर्व कैसा हो जाएगा हमारा नेगेटिव कर्व हो जाएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा बट इट जस्ट फेल टू जस्टिफाई द फ्लेशन ठीक है चलो लॉरेंस कर्व एंड द गिनी कोफिशिएंट क्या होता है इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम इन इक्वालिटी मतलब हमारी इनकम में ना बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है कितने सारे लोग हैं लेकिन कोई आ, महीने का दस हज़ार कमा रहा है कोई एक लाख कमा रहा है कोई दस लाख कमा रहा है ना कोई तो बस दस हज़ार ही कमा रहा है ठीक है कोई एक हज़ार ही कमा रहा है तो देर इज सो मच ऑफ इनकम इनक्वालिटी विच इज़ बीग शोन बाय लॉरेंस कर्व ठीक है जितना आप ये यहाँ पे ऐसे बनता है ये लाइन ऑफ इक्वालिटी हमारा ये ट्राइंगल है ना ये हमारे लाइन ऑफ इक्वालिटी को शो करता है लेकिन जो इनक्वालिटी का कर्व जितना दूर बनेगा ना हमारी बेस लाइन कर्व से उतनी ज़्यादा इनक्वालिटी होगी ठीक है ये हमारा लॉरेंस कर्व बन रहा है जितनी दूरी होगी ना उतनी ज़्यादा हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी होगी गिनी कोफिशियंट एक्सप्रेशन का जरिया है गिनी कोफिशियंट से हम हम एक्सप्रेस करते हैं कि कितनी इनक्वालिटी है ये जीरो से लेके वन तक शो करता है ठीक है जीरो से लेके वन तक शो करता है लॉरेंस कर्व इनक्वालिटी को शो करता है लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपका गिनी कोफिशेंट है चलो ठीक है कुजनेट कर्व क्या कहता है कुजनेट कर्व रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन ग्रोथ एंड इनक्वालिटी मतलब यहाँ पे अगर हम एक साइड गिनी इंडेक्स को रख दें यहाँ पे डिग्री ऑफ डेवलपमेंट रख दें जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है गिनी इंडेक्स बहुत बढ़ेगा गिनी इंडेक्स बढ़ेगा मतलब इनक्वालिटी बढ़ रही है ठीक है इनक्वालिटी बढ़ रही है क्योंकि लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था गिनी गिनीकोफिशेंट एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी ज़ीरो से लेके वन तक होता है ये राइट तो बड़ी उसके बाद ये अच्छी अच्छी शो करेगी डेवलपमेंट में एक डेवलपमेंट स्टेज में हम चलते हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा इनक्वालिटी होती है बट धीरे धीरे सोसाइटी स्टेबल होने लगती है इसका इन्वर्टेड यू शेप है ठीक है कर्व के शेप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू इकोनॉमिक ग्रोथ इनिशियली लीड्स टू तो ग्रेटर इनक्वालिटी फॉलोड बाई रिडक्शन इन द इनक्वालिटी बाद में सोसाइटी अच्छी होने लगती है नेट कर्व ठीक है ये ग्रोथ या तो डिग्री ऑफ डेवलपमेंट को शो करती है चल ये हमारा पूरा समरी है कर्व का लाफेयर कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट्स, फिलिप्स कर्व हमारा अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच का इक्वेशन शो करता है लॉरेंस कर्व हमारा इनइक्वालिटी को शो करता है हमारी सोसाइटी में कुजनेट कर्व कहता है कि जैसे जैसे आप डेवलप होंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम पर इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी उसके बाद इन कम होती जाएगी तो ये रिलेशनशिप शो करता है ग्रोथ और इनइक्वालिटी के बीच का ठीक है अब तक हमने जो कुछ ना दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई वॉन्ट आंसर ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन ठीक है पॉज करो वीडियो को और देखो आप खुद सॉल्व कर पा रहे हो नहीं करो कर पा रहे नहीं कर पा रहे कर रिवाइंड करो रिवाइज करो और देन सॉल्व करो ठीक है कमेंट बिलो आई वांट टू सी द एक्टिव स्टूडेंट्स ना चलो यहाँ तक हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं इसको ऑन रिवाइज मोड देख लेना पी से भी पढ़ सकते हो आप टेलीग्राम ग्रुप से कलेक्ट आप कर लीजिएगा ठीक है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं माइंड यू सी का जी के इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट और उसी में अगर आप आराम से आठ से दस क्वेश्चन कर पा रहे हो तो इट इज़ द नाइसेस्ट डील आई हैव एवर सीन ठीक है तो आप डिफेंस मीनिया पे भी ये कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो फॉर हैविंग अ वेरी सिस्टमेटिक स्टडी ठीक है चेकआउट जरूर करना क्योंकि इट इट कंटेन्स ऑल द जूम लाइव क्लासेज रिकॉर्डेड क्लासेस मॉक टेस्ट And everything you need to prepare for your serious and Afcat exam. Okay. So, I'll see you guys in the next series. Till then, goodbye and Jai Hind.